हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्रूट फ्लाई, जिसे हम फल मक्खी भी बोलते हैं हिंदी में, उसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में। तो जो फल फ्रूट फ्लाई होती है या फल मक्खी होती है, ये मेनली जितनी भी बेल वर्गीय सब्जियां हैं या फल हैं उन पे अटैक करती है, जैसे कद्दू, खीरा, ककड़ी, करेला, तुरई, लौकी और फ्रूट्स में ये खरबूजा, तरबूज। तो जितनी भी मतलब गॉड्स हैं, स्पंज गॉड, रिज गॉड, पम्पकिन, मेलन, वाटरमेलन, इन क्रॉप्स में ये अफेक्ट करती है। कैसे अटैक करती है, जैसे ऊपर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जहाँ पे ये डंक मारती है जिस भी ये फ्रूट पे अफेक्ट करती है, और डंक मारने के बाद उसके अंदर जो है अपने अंडे छोड़ देती है। तो जो फ्रूट है वो बाहर से सड़ के पीला पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे ऊपर आप स्क्रीन पे करेला देख रहे हैं, ये फ्रूट फ्लाई का अटैक है। डंक मारने वाली जगह पे एक छोटा सा काला निशान होता है, और उसके बाद जो करेला है वो पीला होना शुरू हो जाता है। और जब आप उसको करेले को या खीरे को या ककड़ी को, जिस भी फ्रूट पे फल मक्खी ने डंक मारा है, उसको आप अगर तोड़ के देखेंगे तो अंदर उसके छोटे छोटे आपको जो लार्वा है वो दिखाई देंगे। तो बहुत ही ये एक मेजर प्रॉब्लम है क्रॉप्स के लिए, जैसे बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट करती है। और एक बार अगर ये गार्डन में आ जाए तो फिर इसको नीम ऑयल वगैरह से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो आज हम इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बाद में बात करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको सारी पिक्चर्स दिखा दी हैं कि ये मेनली जो फ्रूट फॉर्मेशन हो जाती है पोलिनेशन होने के बाद, जब जो फल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उस वक्त ये अटैक करती है। तो होम गार्डन में तो एक इसका सिंपल सा सॉल्यूशन होता है, क्योंकि लिमिटेड प्लांट्स होते हैं, तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं पोलिनेशन होने के बाद, हम उसको किसी प्लास्टिक की पन्नी से या कपड़े से कवर कर देते हैं, ताकि जो फल मक्खी है उस पर डंक ना मार सके। लेकिन खेतों में ऐसा करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वहाँ हमें होम्योपैथी की मदद लेनी चाहिए। इसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ होगी उसकी पिक्चर ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख रही है, कैंथेरिस 30। कैंथेरिस आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। अगर आपको 6 पोटेंसी में मिले तो आप 6 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, नहीं तो 30 पोटेंसी में लेनी है। और इसकी 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके अपने सभी प्लांट्स जिनमें ये फ्रूट फ्लाई का अटैक रहता है उसकी सॉइल में दे सकते हैं। टोटल आप 4 एप्लीकेशंस कर सकते हैं हफ्ते हफ्ते के गैप पे। अगर आप अपने खेत में यूज़ कर रहे हैं तो 1 हेक्टेयर लैंड के लिए 400 लीटर पानी में 200 मिलीलीटर कैंथेरिस 30 मिक्स करनी है और अपने पूरे खेत में दे दीजिए। आप देखेंगे कि जो फ्रूट फ्लाई है, अगर वो आपके खेत या गार्डन में आ गई है तो वो गार्डन को छोड़ के चली जाएगी और दोबारा आपके गार्डन में नहीं आएगी। 4 एप्लीकेशंस 1-1 हफ्ते के गैप पे आपको करनी है कैंथेरिस 30 मेडिसिन की। और अगर आपके खेत में सारी ये जो बेल वर्गीय सब्जियों का खेत है आपका, तो प्रिवेंशन के तौर पे आप स्टार्टिंग में ही इसकी 1 एप्लीकेशन कर सकते हैं कि 400 लीटर पानी में 200 मिलीलीटर मेडिसिन मिक्स करिए, और इस पानी को आप 1 हेक्टेयर लैंड में या 4 बीघे के लैंड में आप अपनी खेत की मिट्टी में दे सकते हैं, ताकि जो फ्रूट फ्लाई है वो आपके खेत में या आपके होम गार्डन में आए ही ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये थी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन फ्रूट फ्लाई के अटैक को रोकने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।